हेलो एवरीवन, तो आज होली है तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। मैं सुबह 5:30 में उठ गई थी और अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सभी काम को करके देन नहा ली और अभी ब्रेकफास्ट में फ्रूट खा रही हूँ। और फ्रूट खाने के बाद आज होली है तो मैं बना रही हूँ दही वल्ले। और दही वल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है ये प्रीमिक्स दही वल्ले। एक्चुअली मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और दिल्ली में अकेले रहती हूँ पढ़ाई के लिए, और इस बार मैं होली में घर नहीं गई हूँ। तो होली है तो दही वल्ले तो खाने ही हैं, तो इसलिए मैं इस बार प्रीमिक्स से दही वल्ले बना रही हूँ। और दही वल्ले खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और होली में तो मेरे घर में दही वल्ले ज़रूर ही बनते हैं। ये 500 ग्राम वाली पैकेट है और मैं इसमें से 1.5 कटोरी ही प्रीमिक्स ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा दरदरा है, क्योंकि इसमें सॉल्ट और बाकी सभी चीज़ मिक्स ही है। आपको इसमें अलग से कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कितना डालना है ये पैकेट के बैक साइड में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आपको भी इंस्टेंट दही बल्ले खाने हैं तो कोई भी प्रीमिक्स दही बल्ले से दही बल्ले बना सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इस प्रीमिक्स दही बल्ले के पीछे डायरेक्शन भी दिया रहता है कि इसे कैसे बनाना है। एज पर डायरेक्शन ऑफ दिस पैकेट इसमें जितना प्रीमिक्स डालेंगे उतना ही इसमें पानी भी डालेंगे। वैसे इसमें एक बार में ही पानी नहीं डालेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। और आप इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो गया है और अब हम इसे चेक कर रहे हैं, तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोडा वगैरह रहता ही है। अब मैं इसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके आगे की प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बैटर गर्म तेल में डालकर चेक कर लेंगे, अगर बैटर ऊपर फ्लोट करने लगेगा तो इसका मतलब बैटर परफेक्ट बना है। तो देखिए बैटर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब परफेक्ट बैटर बना है और तेल भी बहुत अच्छे से गर्म है। और अब हम इसमें थोड़े थोड़े मिक्सचर डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको दही वल्ले छोटे छोटे बनाने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को तेल में कम करके डालें। और यहाँ पर इसे इस तरह से पलट देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर गोल्डन हो गया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और एक बर्तन में मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है और उसमें थोड़ा सा हींग डाला है। और अब इस पानी में सभी भल्ले को डाल देंगे और 10 मिनट तक सभी भल्ले को इस पानी में ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब 10 मिनट हो गया है तो इस तरह से हथेली पे भल्ले को रख के इसे इस तरह से प्रेस करके हम इसके पानी को निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से हम सभी भल्ले को निकाल लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे नहीं तो ये टूट जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। और नेक्स्ट प्रोसेस में हम ये करेंगे कि थोड़ी सी दही लेंगे एक बर्तन में और सभी भल्ले को इस दही में डाल देंगे। आप दही में थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे मीठा दही पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। और अब इसे इस तरह से मिला देंगे और 10 मिनट के बाद इसे सर्व करेंगे। तो 10 मिनट हो गया है तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे सर्व करने के टाइम पर थोड़ा सा दही इसके ऊपर भी डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और अब थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे, और आप मीठी चटनी के साथ हरी चटनी भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया, अनार के दाने या सेव या भुजिया भी डाल सकते हैं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसका। तो ये हमारा इंस्टेंट दही भल्ला बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए। मेरा तो ये होली का स्पेशल डिश बनकर रेडी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे।